पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह सेवानिवृत्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने विशेष अदालत के उस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को एक अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उन्हें राजद्रोह का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्सों में यह जानकारी सामने आई है कि इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते 76 वर्षीय मुशर्रफ को राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मुशर्रफ की ओर से वकील अजहर सिद्दीकी ने शुक्रवार को लाहौर उच्च न्यायालय में 86 पृष्ठों की याचिका दायर की। इसमें संघीय सरकार और अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार याचिका में कहा गया है कि फैसले में कई विसंगतियां और विरोधाभासी बयान हैं। इसमें कहा गया है कि विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई जल्दबाजी में की। न्यायमूर्ति मजाहिर अली अकबर नकवी की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ में 9 जनवरी 2020 को याचिका पर सुनवाई करेगी। एक्सप्रेस खबरों के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ने फैसले को स्थगित करने की उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है। मुशर्रफ इस समय दुबई में हैं और वह कई बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। वह पाकिस्तान के इतिहास में पहले सैन्य शासक हैं जिन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। वह वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर सत्ता पर काबिज हुए और 2008 तक सत्ता संभाली। The option is under the law to file an appeal before the Supreme Court. The law of 1976 under which the trial has been held provides for appeal. Appeal before the Supreme Court apart. JBD Banquets lie hai. Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।